नगर पालिका निगम इंदौर टीम द्वारा आज स्लम बस्ती रविदास नगर विस्तारा काकड़ में रूपांतरण के लिए आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारी की रोकथाम हेतु क्रूड ऑयल और साथ ही में फॉगिंग मशीन, घास कटिंग और ड्रेनेज की सफाई करवाई गई। स्वास्थ्य जानकारी और साथ ही में एनजीओ की टीम द्वारा मिलकर निरीक्षण किया गया और अभियान की शुरुआत की गई। पार्षद सुभाष सोलंकी, जनप्रतिनिधि अशोक गहलोत, सभी कार्यकर्ता एवं स्वच्छता ग्राही भी शामिल हुए। एडिशनल कमिश्नर भव्या मित्तल मैम और निमंत्रणकर्ता अधिकारी श्री वाजपेयी सर, जोनल अधिकारी परागी मैम, फीडबैक फाउंडेशन हेड विजय सर जी, साथ ही में स्वास्थ्य अधिकारी श्री लखन शास्त्री, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह चौहान, पीएचई विभाग पंकज दायत्व, साथ ही में उद्यान टीम, स्वास्थ्य विभाग टीम, ड्रेनेज विभाग टीम एवं सभी की टीम के कर्मचारियों द्वारा मिलकर आज के कार्य को सुचारू रूप से किया गया। साथ ही बस्ती के सभी नागरिकों को जीप के माध्यम से अनाउंसमेंट कर डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक भी किया गया एवं आसपास साफ सफाई रखने हेतु प्रेरित भी किया गया। 35 में अभी लगातार डेंगू को लेकर आप सतर्कता बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्या है कार्य प्रणाली प्रशासन की? ये हमारे पूरा प्रोग्राम डिसाइड है माननीय जिलाधीश महोदय और आयुक्त महोदय के आदेश से। आज हमारा पूरा डे टू डे प्रोग्राम पूरा डिसाइड है। आज वार्ड नंबर 35 में लसोलिया बोधी अभ्यास नगर में डेंगू का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जो है पेम्पलेट बांटे जा रहे हैं और समझाइश दी जा रही है कि खुले पानी जो अपना पानी रहता है उसको पर डे या दूसरे दिन अपने चेंज करना है। टायर वायर ना रखें छतों में, जो टायर वगैरह पड़े रहते हैं कुछ अंदर और कचरा उचरा रहता है उसको पूरा साफ सुथरा रखें। कब से चल रहा है ये अभियान? कब से चल रहा है अभियान ये? तो अपना 24 तारीख तक चले गए जी। 24 तारीख तक आखिरी है हमारा, 10 दिवसीय कार्यक्रम था ये। और अभी कहाँ कहाँ पे अपन कर चुके हैं अभियान? अभी हमारा जैसे अन्ना भाव साठे बस्ती हो गई हमारी जी, रविदास नगर आज चल रहा है, इसके पहले अपन निरंजनपुर बस्ती कर दिया है, कल पंचोटी काकड़ में काकड़ वाली बस्ती पूरी करी है जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत बाजपेयी, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।